उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रामगोपाल यादव आज फिरोजाबाद में पार्टी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने आईएमआईएम के पूर्व जिलाध्यक्ष व आधा दर्जन आईएमआईएम के नगर निगम के पार्षद को सपा की सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर उन्होंने मंच पर बोलते हुए कहा कि आगामी 2019 में अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो ये देश के लिए खतरा होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आगे न्यायपालिका भी गिरवी रखी हुई है और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर यूपी में भाजपा हारती है तो उन्हें दिल्ली में भी जगह नहीं मिलेगी। 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को किसी भी की आवश्यकता नहीं है। सपा नेता नरेश अग्रवाल के विवादित बयान पर उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई बयान नरेश अग्रवाल ने नहीं दिया है, ये फर्जी अफवाह है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जो वंशवाद की बात करते हैं वह स्वयं निर्वंशी हैं, उनका कोई वंश नहीं है। आप वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य हैं, लंबी राजनीति देखी आपने, क्या तजुर्बे आपके कहते हैं इस राजनीति में? देखिए, जब सत्ता के शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति की मानसिकता और उसके दिल और दिमाग में आदमी की जान की कोई कीमत न हो तो लॉ एंड ऑर्डर कभी अच्छा हो नहीं सकता। चाहे जितने मरे, पुलिस चाहे जैसे मारे, उन पर क्या फर्क पड़ता है? आप देख चुके हैं जो लोग गुजरात में क्या करा चुके हैं, तो उनके लिए क्या मानी है ये चीज। उत्तर प्रदेश से संजीव वर्मा की रिपोर्ट।